जो सुविधा नहीं हम लोगों को परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। बातें रखते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। 15 तारीख 20 तारीख तक में वेतन मिलता है। अधिकारियों को सेवा करते रहो, बस ड्यूटी करते रहो, बाकी और कोई सुविधा नहीं। केवल वही डंडी बर्दा दे के जैसे बरेदी बना दो उसी तरह का। माँ बहन की गाली भी देते हैं कि साले ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे। जबरा मारे रोबर न दे, उस आदेश को चाहे कहाँ रख ले, कुर्सी के नीचे कि कहाँ। होम गार्ड से अच्छा है एक बंधुआ मजदूर अच्छा है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि जहां आजादी के 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहीं एक विभाग भी है जिसका 76वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वह है नगर सेना। आज जहां 76वां स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कर्मचारियों को आज भी वह मान सम्मान सुविधाएं नहीं मिली जिसके वह हकदार हैं। दरअसल लगातार हमारे द्वारा नगर सैनिकों की समस्याओं को उठाया जाता रहा है। आज स्थापना दिवस के मौके पर जिला कमांडेंट कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने नगर सैनिकों के साथ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और वर्तमान कमांडेंट से बात की है। जहां कर्मचारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई, तो वहीं अधिकारियों ने भी माना कि वह कार्य तो मध्य प्रदेश पुलिस के बराबर कर रहे हैं लेकिन सम्मान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नगर सेना का 76वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम और सुनाते हैं कर्मचारियों को कि किस तरह से समस्याएं हैं, किस तरह से आज भी उन्हें ड्यूटी से लेकर समाज में अपमानित होना पड़ता है और किस तरह से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इसके बाद भी उनका शोषण बदस्तूर जारी है। आज होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस है। होमगार्ड वह विभाग है जो बंगला ड्यूटी से लेकर किसी भी प्रकार की आपदा हो जाए तो होमगार्ड शामिल रहता है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह विभाग काम कर रहा है, लेकिन 76 साल होने के बाद भी क्या उनको वाकई जो अधिकार, जो सुविधाएं होनी चाहिए मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आज हम पूछते हैं कि किस तरह से 76 साल पूरे हुए स्थापना दिवस के, अभी भी क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, किस तरह से वंचित हैं। आ जाओ सब इधर। हाँ सर जी, 76वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जी, क्या लगता है किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा आप मिलाकर काम कर रहे हैं? अच्छा, तो हम पुलिस के साथ जैसे कंधे से कंधे जैसे मिला के चल रहे हैं, उस तरह से हमको कोई किसी तरह से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बाढ़ आ जाए, ठंड हो जाए, बंगले में ड्यूटी करना हो, अधिकारियों की ड्यूटी करना हो, कलेक्ट्रेट के सामने लड़ना हो, तो होमगार्ड हर जगह होमगार्ड। फिर भी क्यों इस तरह से भेदभाव किया जाता है? अब किस हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते। क्या मानते हैं 76वां स्थापना दिवस है, कितना संतुष्ट है आपका विभाग, आप लगता लड़ाई लड़ते रहते? हम लोग को कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जीतने के बाद ही रोटेशन की पद्धति 2 माह की बना दिए हैं, कोई भी सुविधा नहीं है। 76वां साल मना रहे हैं, अब चूंकि इनको 76वां साल नहीं मनाना चाहिए, 2016 मनाना चाहिए, नियम दूसरा कानून बना दिए हैं, वो तो खत्म हो गया, तब कहा कि 2016 मनाइए। सैलरी क्या है आपकी, जो पुलिस प्रशासन के साथ आप ड्यूटी करते हैं, बराबर ड्यूटी करते हैं, क्या सैलरी में कितना अंतर है, क्या मांगे रहे हैं आपकी? सैलरी तो हम लोगों की 26,000 है टोटल, बस हो गया, कोई इससे ज्यादा कोई नहीं है। एक आरक्षक की बात, और कोई सुविधाएं? कोई भी सुविधाएं नहीं है, बल्कि आधा हाथ टूट गया देख लीजिए, ये हाथ टूटा हुआ है, इसका भी परेड करवा रहे हैं। कई बार मांग करते रहे हैं कि रोटेशन बंद किया जाए, सैलरी बराबर दी जाए, प्रतिनियुक्ति वाला हो चाहे अनुकंपा नियुक्ति हो, तो क्या आज तक हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई भी हम लोगों के बारे में नहीं हो रहा, केवल नुकसान के अलावा। क्या लगता है, आप लोग बाहर भी ड्यूटी करते हैं, पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं, कलेक्ट्रेट गेट में ड्यूटी करते हैं, आए दिन हम लोग देखते हैं घिचपिच होती रहती है, यानी कि पुलिस से ज्यादा अगर माना जाए तो बंगला ड्यूटी हो, कलेक्ट्रेट ड्यूटी, क्या लगता है कितना आज 76 साल के बाद ये सुविधाएं मिल रही? कोई सुविधा नहीं, केवल शोषण। अधिकारी क्या कहते हैं? सब शोषण, अधिकारी शोषण कर रहे हैं। कभी सैलरी पूरे वहाँ से सैलरी वाले कट्टी नहीं है, जो शासन दे रहा मिलता है, लेकिन शोषण तो परिवार को सुविधाएं मिल रही, कोई सुविधा नहीं। किस तरह से चल रहा है आपको? अरे क्या बताएं किस तरह से चल रहा है, सेवा प्रशासन कुछ कोई न ध्यान दे रही न कुछ कर रही है, हम लोग रातों दिन ड्यूटी करते हैं फिर भी कुछ शासन प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैडम आप भी ड्यूटी कर रही हैं, महिला है, महिला पुलिस में भी भर्ती है, किस तरह से दिक्कतें होती, क्या सुविधाएं हैं आपको विभाग से? हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। किस तरह से दिक्कतें होती है अधिकारियों से ड्यूटी करने में, ड्यूटी लगाने में बाहर? तो किसी तरह से कोई दिक्कतें नहीं है आप लोगों को? अच्छा है,
कोई सुविधा नहीं, हम लोगों के परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। देश कहते हैं आजाद हो गया, लेकिन आजाद नहीं है। 75 वर्ष देश को होमगार्ड के स्थापना दिवस मना रहे हैं, और हर तीसरे महीने, चौथे महीने, दूसरे में दो दो तीन तीन महीने के सैनिकों को घर बैठा दिया जाता है, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह से फैसला हो गया, लेकिन विभाग फिर भी जबरदस्ती करके कॉल ऑफ कर देता है। खबर एक खबर कब थी आपकी कि अधिकारी आए, और इसलिए अधिकारी आए, मीटिंग किए थे कि आप लोग कोर्ट ना जाएं। कोर्ट सबके लिए एक बड़ा रास्ता होता है, जहाँ कहीं सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट जाना, फिर भी इस तरह से दबाव लगाना तो लगता है तुगलक की फरमान होता है। कुछ नहीं है, सब शोषण है हम लोगों का। सैलरी पे अधिकारियों का नियुक्ति में कैसे सैलरी आज तक अभी 6 तारीख हो गया, वेतन नहीं मिला। परमानेंट 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, फिर कैसे चलता है, कैसे दिक्कत मजबूरी। आज स्थापना दिवस हुआ, अधिकारी आते हैं, आप लोग सब लोग मिले तो अपनी बातें रखते नहीं है कि हम लोग भी तो भैया है, वर्दी दे दिया। बातें रखते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। बंधुआ टाइप का है, शोषण करते हैं। 76वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए कैसा हम लोग उल्लास मनाए, क्या बनाए, जब वेतन ही नहीं मिल रहा है। हमने खबर कवरेज की थी, एक सैनिक की यहाँ मौत हुई थी, आज 6-7 साल पहले की बात है। उस समय भी बात आई थी, उस समय भी वे बात आई थी कि समय पर सैलरी नहीं मिल पाई, छुट्टी नहीं मिल पाई, और वो व्यक्ति यहीं दम तोड़ दिया। आज हम यही स्थापना दिवस मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तब आप लोग ऐसा जब इकट्ठा होते तो कहते नहीं है कि भैया हम भी तो रोज हम लोग तो हमें आते हैं 6 दिसंबर 1 तारीख से आए हैं, तब से वो वेतन हल्ला कर रहे हैं कि वेतन दे दीजिए, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर कोई सुनता है। कुल मिलाकर अधिकारियों की तानाशाही जी सर, उनको अच्छा मिल रहा है सब, बस उनको 1 तारीख को वेतन निकल जाता है, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। 15-15 तारीख 20-20 तारीख तक में वेतन मिलता है। ड्यूटी में किस तरह से दिक्कतें होती है आपको, बंगला ड्यूटी भी करना है, गेट पे अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी करना, अधिकारी सबसे बड़ी बात रहती कि अधिकारी के सामने रह के ड्यूटी करना पड़ता है, अगर बंगले में ड्यूटी करते तो अधिकारी के सामने रहना है। अधिकारियों का सेवा करते रहो, बस ड्यूटी करते रहो, बाकी और कोई सुविधा नहीं। अभी कभी आपका संगठन बात करता है अधिकारियों से कि भैया हमको इससे सुन लेते हैं, लेकिन करते हैं अपने मन के, चल रहा है बस बस। क्या कहेंगे ये 76 साल पूरे होने में अपने विभाग के, हम लोग क्या कहें, हम लोगों का तो शोषण ही है और क्या है। 76 वर्ष हो गए लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रह गए, देश आजाद हुआ लेकिन आजादी का जश्न हम लोगों के कुछ नहीं है। कहते हैं कि भारत स्वर्ण जयंती मना रहा है, क्या स्वर्ण जयंती मना रहा है, होमगार्ड सैनिकों को हर तीसरे महीने दूसरे महीने घर बैठा दिया जाता है, काल आपकी प्रक्रिया चालू रख करके रखे हैं, आज भी हाई कोर्ट का भी आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, लेकिन कोई उसका पालन नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपका प्रबंधन टीम में शामिल रहते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 बजे रात भी पानी निकलना है, 3 बजे जाना है, कैसी व्यवस्था रहती है सब, भोजन की, खाने पीने की? खाने पीने के लिए मोहताज हो जाता है, सुबह से 6 बजे से अगर स्कूल में लग जाता है शाम रात तक रहेगा, लेकिन खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। अभी मैं एक दिन 26 तारीख को जो सिरमौर में घटना हुई थी, तो एक गुप्ता डूब गया था, उसके मैं बचाने गया था, मैं रेस्क्यू के दौरान मैं स्वयं गिर गया था उसी में 50 फीट ऊपर से, मेरे यहाँ बहुत चोट लगी थी। मैंने अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी आए, हमारे डिविजनल साहब भी आए, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने बताया भी, अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। बोले कि नहीं आपको, मैं सभी के साथ ऐसे ही है, सिर्फ नाम का है, 76 साल पूरे हो गए, सफलता हो गए। क्या लगता है कि पुलिस के साथ कैसे आपका बराबर अधिकार मिल पा रहा है, समान सिर्फ वर्दी डंडा? केवल वर्दी डंडा, पुलिस के बराबर हमको कोई अधिकार नहीं है, केवल वही डंडी बर्दा दे के जैसे बरेदी बना दो उसी तरह का। अधिकारियों से भी आप लोग बात करते होंगे, क्योंकि आपकी संख्या भी ज्यादा है, अक्सर 2 महीने बैठा दिया जाता है, कोई सुविधा न दी जाती हो, तो क्या लगता है किस तरह सुनवाई होती है सर? पैसे सुनवाई तो हम लोगों की कहीं नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कोर्ट के माध्यम से अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में जाने से भी तो रोका जाता है, लेकिन अब हम लोगों को कोर्ट ही एक सहारा है, तो रुकेंगे तो नहीं, रोजी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए तो कोर्ट हम जाएंगे ही, चाहे अधिकारी रोके चाहे जो, भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमें शुभकामनाएं संदेश दिया, तो इसमें हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि हम लोगों का राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का शोषण बंद किया जाए, क्योंकि भारत देश को आज़ाद हुए हमारे विभाग को 76 वर्ष हो चुके हैं, आज 76वां जन्मदिन है। जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो आप लोग बात नहीं उठाते, कहते हैं कि अधिकारियों से कि 76 साल हो गए, 75 साल हो गए, हम जस्ट मना रहे हैं, लेकिन हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं अधिकारियों से, लेकिन ये कह के हटा दिया जाता है स्वयं से भी, तो स्वयं से भी शब्द को जब आर्टिकल, कितने साल तक स्वयं से भी चलता रहेगा? अभी यही तो शिक्षक थे, अधिक शिक्षक थे,
गुम गारंटी वाले थे, सब हड़ताल करके चले गए, सबको स्थायी हो गए, लेकिन अब 76 साल से वैसे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ एक शब्द कह दिया जाता है अधिकारी द्वारा कि आप स्वयं सेवी हो, आप परमानेंट नहीं हो सकते हो। कोई बोलने का अधिकार नहीं, बस जैसा चल रहा है कर रहा हूँ वैसे करने दो। आपको चोट लगी है, कैसे चोट लगी, कैसा है क्या? मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मैं परेड जबरदस्ती परेड करवा रहे हैं। 56 साल मेरी उम्र है, सिर्फ होम गार्ड विभाग में शोषण के अलावा कुछ नहीं। जिस अधिकारी के पास जाएंगे तो डांट कर भगा देगा, बोलते हैं जाओ तुम स्वयं सेवी हो। इस तरह से सन 1947 से लेकर आज तक हम लोगों का शोषण। मजदूर होता है, 700 रुपए मिलता है, उसकी ड्यूटी निर्धारित है। होम गार्ड से अच्छा है एक बंधुआ मजदूर अच्छा है। हम अगर हमारा किट जमा हो गया, हमारे बाल बच्चे भूखों मरता है, किसी तरह की सुनवाई नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तो भी अधिकारी रोकते हैं। अभी मेरा किट जमा करा लिया गया था, फिर जब कोर्ट से आदेश हुआ, स्टे मिला, तो आया तो बोले तुमको परेड करना है, मजबूरी में कर रहे हैं कि हम तो हमारा कुल मिलाकर वही अंग्रेज का शासन था। कुछ तानाशाही, सिर्फ होम गार्ड में तानाशाही। हम लोगों से अच्छे तो मजदूर है, आंगनबाड़ी शिक्षा कर्मी अतिथि सबको शासन ने, शासन प्रशासन सब सुविधा दे दिया, लेकिन होम गार्ड के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ शोषण के अलावा। लेकिन ड्यूटी वैसे ही कर रहे हैं जैसे पुलिस का। तारीख है, आज तक वेतन नहीं मिला। बच्चों को ठंडी में ठंड के सुकुड़ रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, फीस जमा करने के लिए बच्चों को नहीं है। बोलते हैं 76 हमारा वर्ष दिवस मनाया जाए, काहे का 76 हमारा दिवस है? आज बात ऐसी उठी क्या है? आप लोग कुछ बात बोले तो बोले कि मैं डीजी वहाँ वित्त मंत्रालय को लिखेंगे तब वेतन मिलेगी, यहाँ लिखेंगे ऐसे कि लिखेंगे आगे कार्यवाही हो गया, ऐसे आदेश कर लेते हैं। हाँ 76 साल चल रहा है। न्यायालय से भी बहुत से लोग आपके साथ, न्यायालय भी है। ऐसे हैं कि माँ बहन की गाली भी देते हैं कि साले ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे। न्यायालय भी लोग जाते हैं, न्यायालय से किस तरह से न्यायालय से लाभ मिला, न्यायालय की यहाँ सुनवाई होती है कि नहीं होती, जो न्यायालय निर्णय होते हैं उनका कुछ? एक कहावत है गाँव की कि जबरा मारे रोबर न दे। एक सेकंड सर, जबरा मारे रोबर न दे, तो हम लोगों की वही दुर्दशा है। न्यायालय जाते हैं, न्यायालय आदेश देता है बार बार, उस आदेश को चाहे कहाँ रख लें, कुर्सी के नीचे कि कहाँ, ये गलत बोलने, पता नहीं वो आदेश कहाँ जा रहे हैं। दो साल से मान हो रहे हैं हमारी सभी आर्डर, कोई आदेश का जो है, तो हम लोगों का भी सब लोग, कई लड़कों का जब किट जमा हुआ, न्यायालय गए, उनका पैसा मिला वापिस, लोगों का नहीं मिला, और कुछ लोगों का न्यायालय से आने के बाद भी उनका नहीं मिला। विभाग एक है, नियम अलग अलग। तो भेदभाव ड्यूटी में पहले भी कई बार मामला आया कि कुछ को खास ड्यूटी लगाई जाती है, खास स्थानों पर भेजा जाता है, लेकिन जो उनकी मनमानी नहीं मानते। इसमें अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो एक ही दबाव है कि किट जमा करवा लेंगे, तो वो भी जो मिल रहा है वो भी चला गया, तो फिर क्या करेंगे? जो कह रहे हैं बंधुआ टाइप है कि आप मजबूरी है, आप करना ही पड़ेगा। भाई हम किसी मजदूर को ले आए, दिन भर में ही अगर पूरा काम नहीं किया तो हम भगा दिए। उसका तो शाम को नहीं, उसकी सैलरी निर्धारित है कि शाम को उसको काम खत्म करने से पहले मिले। हम लोगों का है, सैलरी तो नहीं मिल रही। बधुआ मजदूर से भी गए गुजरे हुए हैं। अब तो जाएंगे रिटायर हो गई। आज होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस था, आप यहाँ पहुँचे थे, क्या लगता है किस तरह से सुविधाएं आज भी इनको 76 साल बाद ही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि मिलना चाहिए? नहीं मिल रही है, मिलना चाहिए। यहाँ दो प्रकार हैं विभाग में, एक है होमगार्ड और एक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की तनख्वाह ज़्यादा है कि और इनकी कम तनख्वाह है। आपदा प्रबंधन में संख्या कम है, जो भी होगी 7-8-10। हाँ एटिया भरू है, आपदा प्रबंधन 8 लड़के कुछ हैं और 10 डॉक्टर है, और होमगार्ड में जो है वो भी भर्ती नहीं हो रही, तो उनकी भी संख्या कम है। इनको 22,000 से तनख्वाह मिलती है, 22,000-30,000 तक, और ड्यूटी होम गार्ड ही आपदा प्रबंधन में करते हैं। तो ये विसंगत है। लंबे समय से जवान होम गार्ड के
कभी कोर्ट में, कभी न्यायालय अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, इनको कई बार कुछ राहत भी मिली, लेकिन आज भी सबसे बड़ी इनकी समस्या है रोटेशन प्रक्रिया जो है। बीच में आप ड्यूटी करते 2 महीने के लिए बैठा दिए, इनके साथ रोजी रोटी की दिक्कत हो जाती है, बच्चों की दिक्कत हो जाती है, सैलरी समय पर नहीं मिल पाती, तो लगता है कि इस पर भी विचार होना चाहिए। ये बेचारे जाते हैं कहाँ, जब विभाग नहीं सुनता तो कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट निर्णय देता है कि इनका किट जमा ना हो, फिर भी विभाग द्वारा ये नहीं किट जमा करवाते हैं 2 महीने के लिए, ये विसंगत है। हल क्या है इसका, आपके हिसाब से क्या हल? इसका हल ये है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसको विभाग माने। क्यों नहीं मान रहा है ऐसा? आप भी देखे होंगे, पहले से ही देखते हैं, आखिर क्या मजबूरी होती है? आप होमगार्ड देखें, आपकी नदी में नाले में उतरना हो, लाश निकालना हो, ड्यूटी हो, अधिकारियों के बंगले में ड्यूटी हो, कलेक्ट्रेट गेट में ड्यूटी हो, एसपी के साथ, मतलब 24 घंटे जहां फ्रंट में है आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सैलरी के नाम पर न्यायालय में, अभी हमने खबर की थी कि आपके अधिकारी आए, उनका कहना था कि आप न्यायालय नहीं जाओगे, न्यायालय भी जाने से रोका जाता, तो ऐसे में तो नहीं लगता, खुद कहते हैं कि बंधुआ मजदूर, जैसे मजदूर भी होता तो उसको शाम को सैलरी निश्चित है कि 5 बजे उसको वेतन मिलेगा, लेकिन इनके लिए निर्धारित नहीं है। आप बता रहे हैं 70 साल हो गए, स्थापना दिवस हो गया, हम बड़ा प्रगति कर रहे संघ, फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है, और बल्कि क्या शोषण हो रहा। क्या प्रयास करना चाहिए सरकार को आने वाले समय में, अधिकारियों, आने वाली सरकार को बताया जाए, जो सरकार है उनको बताया जाए, विभाग नहीं कर रहा था, सरकार के ऊपर बताया जाए, और दूसरे कोर्ट का डिसीजन जो है, कोर्ट के डिसीजन को माना जाए, बस। हड़ताल भी नहीं कर सकते, शिक्षा गारंटी का टीचर होता है हड़ताल कर देता है, चपरासी होता है हड़ताल कर देता है, जाम कर देता है, उसको मान्यता मिल जाएगी, स्थायी हो गए, लेकिन ये वर्दी धारण है, इसलिए नहीं कर पा रहे, अनुशासन में रहते हैं इसलिए नहीं कर पा रहे, अगर ये करेंगे तो इनका डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कई प्रकार की संगतियां हैं इनके साथ, उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि जो सरकार या वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर के नहीं, इसके मीडिया के थ्रू इसको गवर्नमेंट तक जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर गवर्नमेंट देखे इसको, सुधार करे। सर, आज 76वां स्थापना दिवस मनाया गया जी, क्या रहा जो अपने कर्मचारी है? ये हम लोगों की तरफ से 76वां होमगार्ड स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है, और इसमें परेड कराई जाती है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, परेड है, संदेश वाचन है, इनका आयोजन किया गया है। 76 साल हो गए होमगार्ड के, हम लोग भी देख रहे हैं कि आप पुलिस के बराबर कहें या कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से काम करते हैं, कर रहे हैं, पानी हो, आपदा प्रबंधन हो, बाढ़ का हो, आग लग जाए, बंगला ड्यूटी हो, लेकिन आज भी 76 साल बाद भी होमगार्डों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सिपाही को, पुलिस को मिलती है, कई बार इनका दर्द भी सामने आया, इसके लिए भी कुछ चर्चा होती है वरिष्ठ अधिकारियों? इसमें क्या है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनके उन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और वो शासन स्तर से भर्ती होने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी प्रयास किए जा रहे हैं, संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी चलाई जा रही है इनके लिए, अभी कलकत्ता में जस्ट 10 तारीख से ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, पूरे MP से करीब 50 जवान अधिकारी मिला करके, ऐसे पुणे में भी एक ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन की चलाई जा रही, वो भी 10-11 तारीख से। ड्यूटी तो बराबर कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल पाई अभी तक, कभी बीच में आता है कि कभी कह दिया जाता है कि अपना किट जमा कर दो, कोई बात उठाया तो किट जमा, मतलब एक राज्य स्तर से जो राज्य स्तर की बात है कि राज्य स्तर तक की बात इनकी पहुंचाने के लिए भी कुछ प्रयास किया जा रहा है यहां से? नहीं, उसके कमांडेंट या संभागीय अधिकारियों नहीं, उसके द्वारा भी हम लोगों द्वारा सम्मेलन लिया जाता है, और जो DG साहब हमारे डायरेक्टर जनरल हैं पवन जैन साहब, उनके माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो बकायदे इनको बताया जाता है, सम्मेलन के माध्यम से इनकी बातें भी बताई जाती हैं, और हम लोग भी लिखित में भी भेजते हैं, और प्रयास जारी है कि ये जो 2 महीने बैठा दिया जाता है इसमें कार्रवाई शासन स्तर से जारी है, और कोर्ट के स्तर से भी, कि ये रोटेशन प्रथा बंद हो जाए। आज भी जैसे बैठा हुई कुछ लोग अपनी बात रखे होंगे, क्या किस तरह से समस्याएं रखे अपनी, और आपने सुना और उनको पहुंचाएंगे? नहीं, उसमें तो आज ये समस्या नहीं बताए किसी ने, लेकिन जो प्रयास है शासन स्तर से वो किए जा रहे हैं, रोटेशन समाप्त करने की प्रक्रिया है। मतलब ये आशा रखी जाए कि 76 वर्ष बीत गए इनके स्थापना के, आपके स्थापना के 76 वर्ष हो गए, आने वाले समय में कुछ सुविधाएं मिलेंगी, पुलिस जैसे इनको साधन मिल जाए, नौकरी में हो, चाहे सैलरी में हो, चाहे स्थापना में हो, बैठाया ना जाए। विभाग से ये कहा गया कि इनकी रहवास व्यवस्था के लिए अधिकारी कर्मचारी जवानों के लिए बैरिक्स बनाई जाए, उसके लिए हमने प्रयास करके बजट एस्टिमेट मांगा गया था, तो अभी हमने यहाँ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन से बजट
डिमांड की वो मांग पत्र बनवाए हैं और उसको मुख्यालय भेजे करीब 12 करोड़ का। यह कमांडेंट अजय सिंह साहब जिनका कहना है कि आने वाले समय में नगर सैनिकों को सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि 76 साल हो गए हैं, 76 साल से हर आपदा हर संकट में नगर सैनिक सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। आप पहले भी सुने कि किस तरह से लोगों का कहना। अब देखने वाली बात यह है कि 76 साल पूरा होने के बाद भी नगर सैनिकों को सिपाही पुलिस के स्तर का सम्मान फैसिलिटी वेतन सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं। रामानंद पांडे। सुना आपने, आपदा प्रबंधन से लेकर बंगले की ड्यूटी हो, कलेक्ट्रेट गेट के सामने हर आने जाने वाले से उलझना हो तो नगर सेना करती है। लेकिन आज भी वर्दी डंडा देने के बाद राज्य सरकार इनकी समस्याओं की सुध नहीं ले रही है। रोटेशन ड्यूटी के नाम पर 2 माह के लिए बैठा दिया जाता है, जिसके चलते आज भी नगर सेना को सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मध्य प्रदेश पुलिस को मिलता है। 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपने देखा किस तरह से नगर सैनिकों ने अपना दुख प्रकट किया है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।